दोस्तों स्वागत है आपका इंडियन स्पिरिचुअल में। इस वीडियो में हम आपको माघ शक्तिला एकादशी के महत्व और कथा के बारे में बता रहे हैं। प्राचीन समय में वाराणसी में एक गरीब लकड़हारा रहा करता था। वह लकड़ी को काटकर और उसे बेचकर अपने परिवार का गुजारा चलाता था और जिस दिन उसे लकड़ी नहीं मिलती थी उस दिन उसका पूरा परिवार भूखा ही रह जाता था। एक दिन वह रोज की तरह जंगल में लकड़ी काटकर उन्हें किसी सेठ के यहाँ बेचने जा रहा था और उसने सेठ से डर कर पूछा कि यह किस चीज की तैयारी चल रही है। तब सेठ ने कहा कि यह शक्तिला व्रत की तैयारी चल रही है। इस व्रत को करने से इंसान के जीवन में गरीबी रोग आदि से छुटकारा मिलता है, साथ ही उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और इंसान को धन की प्राप्ति भी होती है। गरीब लकड़हारा अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी के साथ इस व्रत को विधि से किया, जिसके फलस्वरूप उसकी कंगाली दूर हो गई और वह धनवान हो गया। शक्तिला एकादशी व्रत के दिन इंसान को तिलों का दान मंदिरों में करना चाहिए और गरीब लोगों को बांटना चाहिए। इससे उस पे हर प्रकार के कष्ट और दरिद्रता दूर हो जाती है, साथ ही अंत समय में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, डिसलाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।